दोस्तों आप सभी कार में, बस में, ट्रेन में तो ट्रैवलिंग करते ही हैं, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी की नज़र से देखें तो टेक्नोलॉजी ने हमारे ट्रैवल एक्सपीरियंस और ट्रैवल करने के तरीकों को बहुत बदल दिया है। तो आज आप ये वीडियो आगे देखते रहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में हम ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी के बारे में ही बात करने वाले हैं कि ये हमारी ज़िंदगी को कैसे चेंज करने वाली हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो एडीयू। चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों आज तक हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए चार तरीके यूज करते आए हैं, जिनमें सबसे पहला है बस और ट्रेन, दूसरा है शिप, तीसरा है एरोप्लेन और चौथा है स्पेस शटल या फिर रॉकेट। लेकिन अगर हम ट्रांसपोर्टेशन में फ्यूचर की बात करें तो हमारे सामने एक पांचवा रास्ता भी आने वाला है, जिसका नाम है हाइपरलूप। अब दोस्तों ये ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी हमें बहुत जल्द मिलने वाली है और ये काफी सस्ती भी होगी और बहुत फास्ट भी होगी। तो आज हम इसी हाइपरलूप के बारे में बात करेंगे कि ये क्या है, ये कैसे काम करेगी और ये टेक्नोलॉजी हमारे फ्यूचर को कैसे बदलने वाली है। अब दोस्तों हाइपरलूप में एक स्टील की मोटी और बहुत सेफ ट्यूब होती है और उसके अंदर एक कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर बना होता है, जिसमें मुसाफिर और उनके सामान को रखा जाता है और बाद में ये उसी ट्यूब में से होता हुआ एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। अब दोस्तों ये कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर उस ट्यूब के अंदर बिल्कुल हवा में रहेगा, क्योंकि उस ट्यूब में हवा का प्रेशर बिल्कुल लो होगा, जिसकी वजह से फ्रिक्शन भी बहुत कम होगा। अब सवाल यह है कि यह कैप्सूल हवा में कैसे रहेगा, तो यहां पर दो तरह की टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है, जिसमें पहली मैग्नेटिक ट्रेन वाली टेक्नोलॉजी है और दूसरी एयर प्रेशर जनरेट करने वाली टेक्नोलॉजी है। अब यहां पर उस कैप्सूल स्ट्रक्चर वाली ट्रेन में एक बैटरी लगी होगी, जिसकी मदद से उसमें लगा हुआ एयर कंप्रेसर चलेगा, जिसकी मदद से वो अपनी फास्ट स्पीड को अचीव कर पाएगा। अब इसकी स्पीड की बात करें तो उसकी स्पीड हो सकती है 900 से 1200 किलोमीटर फी घंटा हो, लेकिन यहां पर अच्छी बात यह है कि इस टेक्नोलॉजी में इतनी स्पीड को अचीव करने के लिए बहुत ही कम एनर्जी कंज्यूम होने वाली है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम बैटरी पर चलेगा और बैटरी को जो पावर दी जाएगी वो उस पूरे सिस्टम के ऊपर लगाई गई सोलर प्लेट की मदद से दी जाएगी। तो यहां पर इसका मतलब यह हुआ कि हाइपरलूप सिस्टम जितनी पावर को कंज्यूम करता है उससे कहीं ज्यादा पावर को प्रोड्यूस करता है, क्योंकि हाइपरलूप में पावर जनरेटर सिस्टम भी मौजूद होगा। अब इस ट्रांसपोर्टेशन में ना ही तो कोई नॉइस पॉल्यूशन होगा और ना ही कोई एयर पॉल्यूशन होगा, बल्कि एक ट्यूब के अंदर से हवा में तैरती हुई ये ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह बड़ी ही फास्ट स्पीड से पहुंच जाएगी। तो इसी वजह से ये एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी हमारे फ्यूचर को बहुत जल्द चेंज करने वाली है। अब दोस्तों ये आइडिया 2012 में स्पेस एक्स के सीईओ इलोन मस्क ने पेश किया था, लेकिन 2012 में ही कुछ मसरूफियात की वजह से इलोन मस्क ने कुछ दूसरी फर्म्स को इनवाइट किया कि वो हाइपरलूप पर काम करें। तो इस तरह उनको एक फर्म बनाने में 2 साल लग गए और 2014 में इलोन मस्क ने दूसरी कंपनियों को इस हाइपरलूप प्रोजेक्ट में रिसर्च और इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनवाइट किया। तब से 2016 तक इस प्रोजेक्ट पर काम हुआ और फाइनली 2016 में निवाडा डेजर्ट में हाइपरलूप का 3 किलोमीटर का प्रोटोटाइप बना लिया गया और उसके वहां पर काफी पॉजिटिव टेस्ट भी किए जा चुके हैं। दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं इस टेक्नोलॉजी के फायदे और नुकसान की। तो ये टेक्नोलॉजी आज तक की जमीन पर यूज होने वाली सबसे फास्ट टेक्नोलॉजी होगी। इसके अलावा एनर्जी एफिशिएंट है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और उसके बाद ये काफी सस्ती भी होगी। लेकिन साथ ही साथ अगर हम हाइपरलूप के डिसएडवांटेजेस की बात करें तो क्योंकि ये सफर एक मेटल ट्यूब के अंदर होगा तो हो सकता है कि कुछ दोस्तों के लिए ये एक्सपीरियंस डरावना हो, क्योंकि 900 से 1200 किलोमीटर की घंटा की रफ्तार से आप उसमें जब सफर करोगे तो हो सकता है कि वहां पर ऐसा कुछ हो। फिर इसके अलावा अगर हम जी फोर्स की बात करें तो हवाई जहाज में भी अक्सर ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से किसी पैसेंजर का दिल घबराने लग जाता है या वो बेहोश हो जाता है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स भी हाइपरलूप में आ जाएंगी। तो दोस्तों कंसेप्ट तो बहुत ही अच्छा है और बहुत कमाल का है, तो आप भी नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप भी इस टेक्नोलॉजी के आने का इंतजार कर रहे हैं, या अगर आपके दिमाग में कोई इस वीडियो से रिलेटेड सवाल हो या राय हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर आप अपने इस चैनल पर नए आ गए हैं
तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी दोस्तों के लिए रोजाना यहाँ पर मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।